दर्द तो हर किसी को लगता है, गेम में लगता है। सबसे पहले मेरा नाम तनाता की तरह है और हम अरुणाचल के लिए रिप्रेजेंट किया है ये आपका वाको इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में चेन्नई में, तो अरुणाचल के लिए हम गोल्ड भी लेके आ दिया। और हम सिर्फ नहीं है, हम लोग का 20 मेडल्स आया है, तो उसमें से हम लोग का ये 6 गोल्ड है, उसके बाद 4 सिल्वर है, उसके बाद आपका 10 ये ब्रॉन्ज है, तो ऐसा करके है। और मेरा मम्मी पापा जो हमको रिसीव किया है, तो उसके लिए हम बहुत बड़ा खुश है। और अभी हो सिर्फ नहीं है, हम लोग को जो हम लोग का 6 जो गोल मारा है ना, तो हम लोग को अभी एशियन चैम्पियनशिप के लिए भी सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद वर्ल्ड कम्बट्स गेम के लिए है सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट गेम्स के लिए भी सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी सिलेक्ट हुआ है हम लोग को। तो उसके बाद हम लोग का ये नेक्स्ट महीना का हम लोग का 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम लोग का ये दार्जिलिंग में हम लोग का कोचिंग गेम है इंटरनेशनल का, तो उसमें हम लोग ये 28 को निकलेगा यहाँ से कोचिंग गेम के लिए। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, तो गेम भी अच्छा रहा, और फाइनल में जो लास्ट टाइम का जो चैम्पियन था उसको मैंने हराया 1-9, तो बहुत खुश हुआ जो लास्ट ईयर का चैम्पियन को मैंने हराया। वहाँ तो सब कुछ ठीक था और हम लोग सब साथ में ये तो साथ में मिल के था, और हर एक चीज़ साथ में ये गेम भी सपोर्ट किया एक दूसरे को हम लोग। हाँ, खेल में तो सीमा बहुत दूर तक है, क्योंकि आज का दिन में है बहुत सारे लोग जो ड्रग्स से एडिक्ट होता है, जो आपका यंग जनरेशन है, तो उन लोगों को तो हम यही बोलते हैं कि स्पोर्ट करो ना, स्पोर्ट करेगा तो आपका ड्रग्स और कुछ भी चीज़ आपसे दूर रहेगा, और स्पोर्ट करेगा तो आपका बदन फिटनेस रहेगा और आपका बदन अच्छा रहेगा। तो हम वही जो अपकमिंग जो जनरेशन है उसको बोलता है, सगने से आप लोग सब स्पोर्ट करिए, और स्पोर्ट में बहुत सा लाइफ है और बहुत सा अच्छा है स्पोर्ट। और हमें ये सुनने को आया था कि आपका ये खेल के दौरान आपका कोई साथी कुछ इंजरीज हुआ था, क्या ये बात सच है? हाँ, ये तो मतलब उसमें वो जो ये अचानक से लगा है, मतलब सडनली, मतलब खेलते वक्त तो अचानक से लग के वो अभी मेडिकल में है। तो हम तो वही इसके लिए यही अपील करता है थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट भी देख देने से उसको ठीक है, क्योंकि ये जो है वो वाको इंडिया टीम और ये अरुणाचल किक बॉक्सिंग एसोसिएशन आपका मेंटर ये बुलंग सर, उसके बाद मेंटर ये गोविंद चारू गोविंद, तो दोनों और वहाँ का जो ये नेशनल किक बॉक्सिंग एसोसिएशन दोनों जो देख रहा है, तो हम यही अपील करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी आलू भी थोड़ा उसको दिख दीजिए। खेल के दौरान आपको अगर ऐसे इंजुरीज देखने से आपको क्या डर नहीं लगता? नहीं, डर तो लगता है, फिर भी अपना अरुणाचल के लिए तो वो तो उपाय नहीं है, खेलना पड़ेगा। डर तो हर किसी को लगता है, गेम में लगता है, फिर भी तो उपाय नहीं है, अपना अरुणाचल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ से तो कुछ ना कुछ तो अचीव करके तो ला देना पड़ेगा अपना अरुणाचल के लिए। जी, आपने बहुत अच्छा, मतलब आपने मेडल लाया, उसके बाद आपको गवर्नमेंट का तरफ से कुछ मदद मिला है कि नहीं इस सफर पर? सफ़र पर तो गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक तो मदद तो नहीं मिला है, और अरुणाचल किक बॉक्सिंग एसोसिएशन से मदद मिला, और उन लोग ने अच्छा गाइडेंस किया, और हम लोग का अच्छा गाइडेंस का वजह से आज का दिन हम लोग 20 आदमी मेडल अचीव करके आए हैं। और है जो हम लोग का 2 लोग है जो सीनियर्स लोग हैं, तो 4-5 तो है, उन लोग भी हम लोग को बहुत अच्छा गाइडेंस किया, यहाँ तक लेके आया, और जाते समय भी उन लोग ने लेके गया हम लोग को। आगे का तो यही बोलता है, अभी इंटरनेशनल तो सेलेक्ट हो गया, तो वर्ल्ड कम्बट गेम फर्स्ट होगा, तो उसके लिए अपना अरुणाचल और इंडिया के लिए मेडल हासिल करके लाएगा, वो तो मतलब जैसा भी करके ट्राई करेगा अपना बेस्ट मेडल हासिल करके लाएगा बोल के। ताकि आप वैसे आप यहाँ न्यूयॉर्क से है, आपका गांव पे यहाँ पे कोई हमको क्लब नहीं दिख रहा है, आप प्रैक्टिस वैसे कहाँ करते हो? प्रैक्टिस तो वैसे
वहाँ में है मरिक एकेडमी में है, तो मरिक एकेडमी में हम लोग का महीना में ये दो बार होता है, तो हम लोग कोचिंग कैंप टाइप का होता है, तो उसमें हम लोग जाके प्रैक्टिस करते हैं। इस आपका किक बॉक्सिंग को लेके आपका पेरेंट्स अभी साथ में है, आपका माता पिता, तो आपको सपोर्ट करता है कि नहीं? स्पोर्ट तो हमको बिल्कुल सपोर्ट करता है ये लोग, मेरा सर मम्मी पापा ने, मेरा फैमिली वाला, मेरा सब भाई भैया लोग हमको सब सपोर्ट करता है स्पोर्ट में। उन लोग और आज का दिन उन लोग का वजह से ही हम यहाँ आज का दिन करा है। मैंने वो लोग वो गाँव से बिंग देना वो का लो आलो बगलिंग ले लो आए आलो कम सी मिडल बाची भी पंगो दिगो वो पोते पोर वो लोग देना के अच्छा आते वो लोग देना मानो कम भी बम पंगो लोग पा नाम से लोग आसो कोर तत्ता पा भी बम ओ आरो पे लोग को कलम की दम पे अब वो अने वो रा मेरे को हको दो मोसुला पे खर्चा मत लो रा वो कुम के देना देना वो काम और मो दे बना है वो पाया लिंग चोप देना जीसु ईश्वर का स्लो बीना गोम देना कई है ब्लो जो है अभी फिलहाल जो इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर जो एक्चुअली हम लोग का जो फैमिली है तरह फैमिली का बहुत ही प्राइड मोमेंट है क्योंकि भाई ताकि नॉट ओनली दिस टाइम पहले भी काफ़ी बार उन्होंने मेडल लाया है, वो अपना डिसिप्लिन में जो भी डिसिप्लिन में वो प्रैक्टिस करता है या फिर पार्टिसिपेट किया है उन्होंने काफ़ी बार फैमिली का नाम को रोशन किया है इन पर्टिकुलर तरह फैमिली को एंड देन स्टेट को हमेशा एक जो भी है मेडल को वो अचीव किया है स्टेट के लिए। तो अभी जैसे भाई ने बताया है वो अभी इंटरनेशनल लेवल में भी जा रहा है, उनका एशियन ये टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड ये चैम्पियनशिप के लिए भी जा रहा है, तो हम लोग हमेशा उसके साथ में प्रेयर एंड जो भी वेल जो भी हम लोग का ब्लेसिंग है हम लोग हमेशा साथ में रहता है भाई का। तो अभी देखने से स्पोर्ट्स मतलब जैसे स्पोर्ट्स जो है आप रिसेंटली जो कंक्लूडेड जो कॉमनवेल्थ ये हुआ है इंडिया में आपका 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, आप 8 यूनियन टेरिटरी एंड 28 स्टेट्स में आप सोच के देखिए अरुणाचल वो मेडल टैली में स्पोर्ट्स में जो कॉमनवेल्थ हुआ है वहाँ पे आप आउट ऑफ 28 स्टेट्स में एंड 8 यूनियन टेरिटरी में आपका स्टेट वाइज टैली अगर देखता है मेडल का 6 या 7 स्टेट्स आपका जो मेडल लेके आया है इंडिया के लिए एंड अरुणाचल उसमें से एक है जो 3 जो मेडल है टैली में आपका 4th या 5th लिस्ट में है हम लोग 6th 4th लिस्ट में होना चाहिए अरुणाचल जो नेक्स्ट टू मणिपुर नॉट नेक्स्ट टू मणिपुर इक्विवेलेंट टू मणिपुर, तो मणिपुर 3 गोल्ड मेडल आया है अरुणाचल भी 3 मेडल लेके आया है इस बार जो रिसेंटली कंक्लूडेड उसमें। तो उस हिसाब से देखने से अरुणाचल में स्पोर्ट्स का जो है स्कोप ज़्यादा है, तो यूथ लोग का जैसा अभी भाई ने अपील किया है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन को मालूम है कि फिजिकल फिटनेस एंड देन मेंटली आपको कैसा फिट रहता है एंड स्टेट का आज जैसे उसको यहाँ पे सब लोग आके आप लोग मीडिया लोग उसको ऑनर कर रहा है स्टेट उसको देख रहा है उसका तरफ में और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी बढ़ गया कि आप मतलब मेडल और भी हम लोग आगे लेके आएगा। तो इसीलिए अरुणाचल एक स्पोर्ट्स हब बन सकता है लेकिन प्रोवाइडेड हम लोग जो है स्टूडेंट लोग बोलो या फिर यंग जनरेशन लोग बोलो वो सीरियस होना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो आप सीरियस होगा तो ज़रूर मदद करेगा मेरा हिसाब से मतलब वही है। थैंक यू।